अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अशमत अली, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा को मीडिया इंचार्ज। आज का अनुमान ये है हमारा, ये आज जो है ईद मिलाद पे जो है अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर जो पीएसए चेयरमैन है, बहुत जो है उसको हम जो है डिंगा बोलेंगे, इस वजह से कि आज जिस पे उन्होंने जो बयान किए हैं हम उसको उनको जिम्मेदार मानते, इस वजह से कि उन्होंने जो है मुसलमानों के दुश्मन और जो है फाइनेंशियली जो है लोगों को जो है बेरोजगार करने वाले इन्हों छे, इन्हों आज बता रहे हैं जो है कि जो है भाई भाई का कत्ल कर दे रहा है 100 गज के प्लाट को, ये कल्चर शुरू करने वाले कौन है अकबरुद्दीन ओवैसी? फिर आपका मैटर क्या हुआ था मोहम्मद पलवान के साथ, क्या वजह से जो है आपके जो है मामला हुए थे, क्यों आपके ऊपर अटैक हुआ था, भूल गए क्या आप? आप आज जो है पुराने शहर के डेवलपमेंट के दुश्मन आप है। आप फरवरी में बोले एक महीने के अंदर डेढ़ महीने के अंदर शहर को देख लो आप, मैं ऐसा डेवलप कर दूंगा वैसा डेवलप कर दूंगा, 25 साल में मैं जो है हमारा शहर तरक्की नहीं हुआ, आपको ख्याल आना है आपको? आप असेंबली में क्या क्या बोले फिर आप जो है आज तकरीर में बोल रहे हैं। और एक चीज, आप जो है 10 दिन पहले सियासत में आपके बेटे के ताल्लुक से आया, नूरुद्दीन ओवैसी को जो है चार मीनार से देते, बहादुरपुरे से देते, याकूतपुरे से देते, क्या आपके बेटे कभी रोड पे निकले? धूप क्या है मालूम है उनको? आपके बेटे आपके घर में से जो है एसी में से निकलते, एसी गाड़ी में बैठते, एसी में आके बैठते, कभी जो है कारपेंटर बने आपके बेटे, कभी ड्रेनेज कहाँ कराना मालूम है उनको, ड्रेनेज भरी तो कहाँ है मालूम है उनको, कौन से ऑफिस को फोन करना, कभी आए MRO ऑफिस को आए आके जो है विडो पेंशन कैसा कराना, ओल्ड पेंशन कैसा कराना, शादी मुबारक को इनकम सर्टिफिकेट को लोग कैसा फिर रहे हैं, स्कॉलरशिप के वास्ते फिर रहे हैं, कभी कोई वर्क कराए, कलेक्टर ऑफिस को गए, कभी कहीं बैठ के धरना दिए? आज आप जो है बैठ के एक काम करो अकबर ओवैसी, आप मैं एक लिस्ट जारी करता हूँ आने वाले वीडियो में, आपके पूरे सब लोगों को दे डालो, पुरुम को हटा के 7 MLA को दे डालो, 2 MLC को दे दो, पूरे कारपेंटर्स को आप अपने घर के खानदान के लोगों को दे दो आपकी पार्टी की तरफ से, क्यों दूसरे लोग नहीं है? और जो जिसको दिए क्या काम कर रहे हैं अकबर ओवैसी? आज आप जो है बैठ के बोल रहे हैं, आपके कारपेंटर्स क्या कर रहे हैं? आपके समद बिन अब्दाद कंदिकल गेट कने ठहर के हमारे मुस्लिम भाई ना बोल रहे हैं वहां पे, हम जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को फोन करे तो आप बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, फिर ये स्टेज पे ठहर के कई को ड्रामे कर रहे हैं आप, कई की आप जो है बुलंद बांध जो है तकरीर कर रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को? आप बहुत सत्य सावित्री है बल्कि आप 25 साल पहले जब 99 में इलेक्शन लड़े क्या थे आप? क्या क्या करे शुरू करना है क्या? हम सोम है, हम भी आने वाले वक्त में बताएंगे, हम भी पब्लिक को वही समझाना चाह रहे हैं, वही बताना चाह रहे हैं कि वोट वोट जो है आप देखिए डालिए, वोट डालने से आज अकबरुद्दीन ओवैसी मजबूत है, आज अकबरुद्दीन ओवैसी पावर में है, अकबरुद्दीन ओवैसी पावर में आने से पहले क्या करते, जाके पेट में मुंडी डालते, हाथ पे जो है सर रखा लेते, कसम खाते, उसके बाद में आके बोलते आप जाइए, आपसे बात नहीं करना है, आपका हम ये काम नहीं करते, आपके पास ये इतना काफिला क्यों है अकबरुद्दीन ओवैसी? आपको जो मारने वाले कोई नहीं, आपको डरने वाले नहीं है तो भी इतना काफिला कहीं को ले लेके फिर रहे हैं आप? और रही बात TRS गवर्नमेंट से, जब आपका जो है GHMC इलेक्शन में भी ऐसी छुआ था, अभी फिर इलेक्शन है तो फिर आप अपना PSA चेयरमैन से रिजाइन दो, आप क्या हज कमेटी पे बोले कभी आके? क्यों नहीं आए आप हज कमेटी में? आप आके झंडी कहीं को नहीं दिखाए, क्यों आपके मेंबर नहीं है हज कमेटी में? नहीं है आपके मेंबर जो है वक्फ बोर्ड में? नहीं है। फिर आपके MLA है ना वक्फ बोर्ड में है, हज कमेटी में है, फिर आप जो है अब तक क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया हाजियों के ताल्लुक से? आपको ख्याल आना, हाजियों के ताल्लुक से आप बयान नहीं दे कि आप जो है कत्ल किसके एरियाज में हो रहा कत्ल, आप जाके कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करे, होम मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करे, चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करना, आप ठहर के दारुसलाम में तकरीर करे तो जो है आपका सुन लेते कोई भी, आप लेटर दो जाके नुमाइंदगी करो, आपको कौन रोकने वाला है? रही बात आप दारुसलाम से पीछे से आ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, आप ऐसा आइए ना पीछे से रोमान के बाजू से खिलवत की गली में से शाह मंजिल से कमान में से आके देखो कितनी तकलीफ हो रही। आप फरवरी में KTR साहब बोले मैं आता हूँ एक महीने डेढ़ महीने में, फरवरी जाके फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई आ गया, 5 महीने हो गया, थोड़े दिन गए तो किसको भी शादी तो बच्चा ठहर जाता, बच्चा हो जाता। अकबर ओवैसी असल तुम है दुश्मन, तुम 2004 में बोले थे
मैं मदीना बिल्डिंग से बसेस बंद करा दिया, मैं वैसा करा दिया, क्या क्या बोले थे याद है? बहुत है बोलने को हमारे को, हमारा मुंह मत खुलाओ। आप है ना, दम है तुम्हारे में, तो तुम क्या करो, माइनॉरिटी लोन्स को जाके बैठ के बोलो 23 का 2200 करोड़ है, जैसा दलित बंधु दे रहे ना 10 लाख रुपए, माइनॉरिटी लोन को आज क्या हुआ, 22 का वैसी रुका हुआ है काम, 23 आ गया, 23 जून हो गई, अब जो है जून खत्म हो गई, जुलाई आ गया आज, अब जो है अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन कोड आ जाता, डिक्लेयर नहीं होता है ना। आप इतनी ईमानदारी बता रहे हैं, रोजगार बता रहे हैं ना लोगों को, ठीक है आप कब आए मक्का मस्जिद को बताओ, कब आए नमाज को, आओ ना भाई, फिर आप यहाँ रहे ना, पढ़ो ना, फिर यहाँ सुबह में दोपहर में देख रहे हैं हम आपको, रोजाना देख रहे हैं आप, दोपहर में 2 बजे आ रहे ना, जोहर की नमाज मक्का मस्जिद में पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब में पढ़ो, ऐलान करो मैं आ रहा हूँ, आओ बोलो, जैसा लश्कर लेके इलेक्शन में आते ना, कैसा लेके आते लश्कर, अकबर ओवैसी जिंदाबाद बोल के कैसा ले लेके आते, वैसी लोगों को तरजीब दो, लोगों क्या कर रहे हैं फिर आप, आप 13 स्कूल बनाए हो, आपका ट्रस्ट का है, कोई ऐसा नहीं कर रहे, मैं बताया इससे पहले भी, मैं जो है 4000 गज बस स्टैंड में है, 6000 गज पीछे पेंशन ऑफिस में है, अब 4800 गज पीछे है बोले, उसके बाद में आप क्या करे, दिलाओ 1000 करोड़ दिलाओ, बना के बता देते, वो तुम 25 साल में करे ना, हम सिर्फ 5 साल में करके बताते, चैलेंज है तुम्हारे को, नहीं है तो तुम रीजन दे दो चंद्रन कुट्टे से, नहीं तो हम भी सियासत छोड़ देते, हम भी बात नहीं करते डेवलपमेंट पे, हम करके बताते, मेट्रो रेल पे करो ना भाई, क्या हुआ फिर जाके, मेट्रो रेल कहीं को नहीं आ रही। रही बात आप जो आज जो टॉपिक करे कि ये सब चीजा जो है कत्ल कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, मैं सुबह में 11 बजे आया तो आपके दारुसलाम को कोई भी कहीं को आता 11 बजे, आप 11 बजे आए तो सुबह आ जाना, आप 1 बजे आए तो आ जाना। रही बात आपका ये जो आप जो शेड्यूल बताए कि ये सब गुंडागर्दी हो रही, सब फला हो रही, ये नमाज नहीं पढ़ रहे ना, ठीक है चलिए मैं थोड़ा सा पीछे से लेके जाता हूँ, जाहिद अली खान साहब इलेक्शन लड़े, क्या करें आप, आपकी जो गुंडागर्दी चली ना, आया फंक्शन हॉल में जाहिद अली खान के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद में मेहदीपट्टनम में उनके ऊपर गिलाजत डाली गई, उसके बाद में मोहम्मद गौस इलेक्शन में ठहरे, क्या करे, असदुद्दीन ओवैसी आके मारे, सुल्तान शाह में एक बच्चे को लकड़ी लेके मारे असदुद्दीन ओवैसी, आज इमरान को जो है बच्चे को जेल को भेजा है 387 करके, HYC के सलमान को भेजा है, कीतों को गिनाना, जफर पहलवान को आप क्या करे, जफर पहलवान के घर पे अटैक कराए जब इलेक्शन लड़े, कीतों का गिनाना पीछे से, और मक्का मस्जिद में किसके ऊपर से जो है आपके जो है वालिद मोहतरम चप्पल से मारे थे, सब मरहूमिन है, हम नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़े दुश्मन फाइनेंशियली आप है, बेरोजगार करने वाले आप है, कराओ ना भाई आज आप रोड वेंडिंग्स कराओ, क्या हुआ 1 महीने में रमजान में हो जाता बोले थे, सिर्फ 2-2, 4-4 मलगियां तोड़ रहे हैं, अपने अपने एरियाज में पूरा टायर के ब्रिजेस चला लेते, बोला लास्ट वीडियो में बोला पीली दरगाह का विजिट करो ना अकबर ओवैसी, टायर के रोड चलाओ, फिर उसके बाद में अपने बच्चे को लाओ इलेक्शन में, उसके बाद में पहले भिजाओ उस्मानिया दवाखाने को भिजाओ, मालूम होता आसरा दवाखाने में जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं 5-स्टार होटल है आपकी, आप बमसरों को रखे जो है लोगों को क्या क्या कर रहे हैं, दारुसलाम में क्या कर रहे हैं, आपके अतराफ पूरा जो है मशीन कनाले लेके ठहरे हुए हैं, आपके कोई उसमें आपके दारुसलाम में आप सेफ नहीं है, आपको नौजुबिल्ला फरमा के आपको वहां पर मारते, को ना आपके ऊपर हाथ उठाते, ऐसा कोई इंसिडेंस होता वहां पर, आप जब आवाम के लीडर है तो आप आइए आवाम में आइए, आप रमजान में इफ्तार बांटे इतने करे क्या करे भाई बोलो, फिर अब उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ है आप, रोड पे है कहीं भी, आप दारुसलाम को अब रहे, फिर वोट लेने जाते हैं वहां पे आपके कारपेंटर्स क्या कर रहे हैं, और एक एक सबका कारपेंटर को आप क्या कराए थे दारुसलाम में, आप ही मार के लाए थे, याद है क्या, भूल गए, बोलेंगे हम आने वाले वक्त में, तो हम आवाम को बोल रहे हैं, सारे पार्टी से बोल रहे हैं, बीजेपी बीजेपी बोल के डराया जाता, कांग्रेस वाले है रेवंत रेड्डी को भी हम चैलेंज कर रहे हैं, हैदम तो आइए ओल्ड सिटी के अंदर आ जाओ, कौन कौन आते देख लेंगे, किसमें दम है किसमें दम नहीं है, कई को डर रहे भाई, सबको राइट से ना डेमोक्रेसी है, सब लड़ सकते इलेक्शन, डम्मी कैंडिडेट्स को देके आप ठहराते, ठहराओ भाई, कांग्रेस हो TRS हो YSR हो TDP हो और जो भी पार्टी से पूरे पार्टी, फिर ठहराओ ओल्ड सिटी में पूरे 7 हलकों में मजबूत कैंडिडेट को ठहराओ, पूरे MLAs के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट्स को, जो सही वर्कर है हार्ड वर्कर है अच्छे कैंडिडेट को देके ठहराओ,
अकबर ओवैसी आप भी अच्छे कैंडिडेट्स को ठहराओ, वेल क्वालिफाइड को ठहराओ। आप एक एमएलसी को भेजे तो उन्होंने जाके लोगों पे जो एफआईआर करा दिए, उनको बात करने नहीं आ रहा ना, बोलने आ रहा, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो ना। कम से कम जो है वेल क्वालिफाइड, और आपके जो पुराने जो है सीनियर्स है उनका ख्याल करो। अकबरुद्दीन ओवैसी 40-40 साल से जो लोग है उनको क्या कर रहे, ना कारपोरेटर दे रहे, ना एमएलए दे रहे, ना एमएलसी दे रहे। कैसे लोगों को, डम्मी लोगों को कुछ भी नहीं करना, खाली जाके उल्टा जो है और लोगों को जो है गले में बोले तो लिया के पीछे से ढकल देने का काम कर रहे हो डेवलपमेंट का। अब आप, हम डेवलपमेंट पे आ जाएंगे तो आप जो है जो पेडिस्ट्रेशन बना है 650 करोड़ का, क्या करे भाई आप पेडिस्ट्रेशन बना के कंप्लीट कराए, आप नए पुल पे ब्रिज आंदा लाए, चार मीनार बस स्टैंड बनाए, मिलारम मंडी बनाए, मेट्रो रेल लाए। हाँ, आपको हम जो है आज एक वीडियो सुबह में आई कि जो है पहाड़ी शरीफ का रैंप, वो तारीफा हो रहे चेयरमैन जलपल्ली। अरे पहले काम कराओ, जो वो मरहूमिन को जो है दुआएं देते, अल्लाह उनको जन्नत मगफरत करे, बोले साहब वो ताहिद ताहिद सबिता इंद्र रेड्डी, सबिता इंद्र रेड्डी मैडम, जाके लोगों को देखो। आप भी एक लेडीज है, जो लेडीज जो बिलबिला रहे लोग, क्या तकलीफ है उस्मान नगर में, वहां के कारपोरेटर बोल रहे कम्युनिटी हॉल का इशू है तो जो है उसको इश्यू बना रहे। जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करो केसीआर साहब, आप भी अपने एमएलए को देखो कौन कहा करे, काम करे नहीं करे। और रही बात अकबरुद्दीन ओवैसी, आप बोल रहे तो आपको याद दिला रहा हूं, आपके मलकपेट के एमएलए जब महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे के ऊपर जब पचकड़ मारे तो याद नहीं आया, जब समझ में नहीं आया आपके एमएलए को, आपके कारपोरेटर्स को राइट्स है। आपके हुसैनी पाशा जो है बहादुरपुरे में जो है इलेक्शन में एकता बाबा के जो है इलेक्शन के जलसे को जो है चित्तर भितर कर दिए, पूरे कुर्सियां तोड़ दिए जलसा नहीं होना बोल के, ये सबको आप लोगों को राइट्स है। पूरे रिसेंट मारे उन्होंने जो पानी छोड़े थे घंटीपेट के, वहां पर जो है एक मीडिया के लोगों को मारे थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी जो है एक दिन पहले आमिर अली खान को उठ के छेड़ दिए, पीछे ठहरे हुए वो। उसके बाद आप जो है आज बयानबाजी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ख्याल आना आपके कारपोरेटर्स क्या कर रहे। आप बोले थे मैं कपड़े फाड़ देता हूँ, चित्तर बित्तर कर देता हूँ, तार तार कर देता हूँ, क्या करे तार तार क्या, पूरा सुई में धागा पुरोने वाले आप है, उसके बाद में सुई का काम करने वाले पीछे से आप है, क्या हुआ नालों का काम, क्या हुआ पुराने शहर का डेवलपमेंट। आप जो है एक वक्त क्या बोले थे वो याद करो। आप उसके बाद में बोल रहे मैं लाल दरवाजे की मंदिर का जो है 5 करोड़ सैंक्शन, आगे ठहर के कराओ ना। फिर ये बोनाल चले गया, गैसो बोनाल चले गया, अब ये बोनाल आ रहा है, गणेश आता, फलकनुमा ब्रिज कब बनता, और एक बाजू से एक ब्रिज और एक डालने का है। केटीआर साहब आते बोले महीने डेढ़ महीने में वजीर अली से बारागली तक जो है पूरी रोड वाइंडिंग होती बोले, फतेह दरवाजे से रामाटा किस तक होती बोले, चार मीनार एमएलए खुद ठहर के बीच बीच में बोल रहे बैठ दे रहे, 1986 का प्लान है। तो सोचो अकबर ओवैसी कौन से एमएलए ने क्या तजुर्बा है, चेंजेस करो, चेंजेस करके वेल क्वालिफाइड जो बच्चे हैं दूसरों को दो, वेल क्वालिफाइड को कारपोरेटर्स को दो। पूरे अगर वाकई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी में दम है तो पूरे 119 एमएलए को ठहराना तेलंगाना में। ये भामटे बात नको करो, जो वहां पर दो बच्चे जो है बोधन शकील के जो है एमएलए के ऊपर अटैक नहीं करे, साफ सुथरे है, केसेस कहां से आए फिर उनके, ये क्या पुरानी रिवायत चल रही क्या, जब जो है मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब जो है कुरान शरीफ लेके जो है मैं बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं करा बोल के बोले थे, अब इन्होंने जो है कुरान शरीफ ले लेके क्या ये एमआईएम की वो है क्या, कुरान शरीफ जो है ले लेके आप बोल रहे हो, इसको पाबंद करो आप कि आपके लोग क्या कर रहे है, क्या सता रहे। आज उन्होंने कैसा बोल रहे कि जो है बोधन शकील एमएलए जो है सता रहे बोल के, या तुम्हारे एमएलए सता रहे सो, आज 5 साल से तुम्हारे एमएलए चार महीना मुमताज अहमद का बस स्टैंड हटा के जो है लोगों को क्या तकलीफ दे रहे अकबर ओवैसी, तुम्हारे को कितनी दूर है तुम्हारे को, मैं बात कर रहा ना फोन पे, रिकॉर्डिंग डाला ना फोन पे, कहीं को नहीं आए अब तक, बस स्टैंड को आओ ना आके देखो, फिर आधा जो है कचरा बना हुआ है, कितने लोगों को बेरोजगार करे हुए है आप। सबसे बड़े दुश्मन तो आप है अकबरुद्दीन ओवैसी, पूरा यहाँ पर जो है दोनों भाया मिलके, और आपके इम्तियाज जलील जो ठहर के कलने पर सुन बोल रहे हैं, एक फोटो है डाल दो, जबकि जो है पूरे बीजेपी के लीडर्स के साथ में ठहर के जो है उन्होंने फोटो से वहां आपके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर फर्नांडिस साहब के साथ में है, अब चीफ मिनिस्टर जो है शिंदे साहब है, कई लोगों के साथ ठहर के फिर बोल रहे हैं जो है हम बीजेपी से ताल्लुक नहीं है बोल रहे हैं आप।
आप हुकूमत में है, सबके साथ मिलके काम करना पड़ता है आपको। आप फ्लोर लीडर है तो पूरे एमएलए को पूरे असेंबली में आप इस पूरे शहर का बोल पूरा बकवा करते, पूरे इश्यूज पे आप इस बात करते, तो फिर एमएलए क्या करते हैं आपके, आपके कारपोरेटर्स क्या करते हैं, आपके कारपोरेटर्स कहाँ है। अब पानी शुरू होते जो है नाले भर जाते, घरों में घुस जाता, फिर एक साल में देखे तो 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ के जो है सैंक्शन होते, पूरा डेवलपमेंट हो गया बोलते। अरे कितने वक्त लगेंगे भाई, हजारों करोड़। केसीआर साहब इसका ऑडिट लो, इसका हिसाब लो कि भाई जहां पर भी जो नाले डाले, लाइन डाले, काम हुआ क्या हुआ। इससे पहले प्रीवियस में बोला था मैं केटीआर साहब को, केटीआर साहब हर एक कारपोरेटर को एक एक लैडर दो, एक एक जेसीबी दो, चार चार टिप्पर दो, लाखों रुपए बिला बन रहे। आज जो है हमारी हुकूमत जो है, जब प्रीवियस में 75,000 करोड़ की थी कर्जे में, आज 5,00,000 करोड़ की हो गई, फिर बोल रहे डेवलपमेंट होगा। ये कौन सा कर्जा करके भाई डेवलप होगा। उपल में जो है इसका ये ब्रिज शुरू होता, यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं होता। तो हमारे ये चीज़ों को आप उस्मानिया दवाखाना, चारमीनार दवाखाना, बारकस दवाखाना, अकबर ओवैसी, बारकस दवाखाना को भिजाओ पहले नूरुद्दीन ओवैसी को, दवाखानों को फिराओ, एमआरओ ऑफिस को फिराओ, वाटर ऑफिस को फिराओ, जीएचएमसी ऑफिसर्स को फिराओ, उसके बाद में ऐसा पसीना निकले बाद में जब उनको कारपोरेटर दो, एक कारपोरेटर ऐसे जगह का दो जहाँ पर जो है सलम एरिया है ना, वहाँ जाके इतना इतना कीचड़ में गए तो मालूम होता, एसी में से उतरे तो मालूम नहीं होता। खाली ये जो है खानदानी उसको मत चलाइए, बहुत लोग बैठे हुए है, माइनॉरिटी लोन्स का है, वक्फ लैंड्स का है, बहुत सारी चीजें भी बोलने को हमारे को। सिर्फ आज आप जो तकरीर करके जो बताए उसका थोड़ा सा आंसर दे रहा हूँ मैं, आइंदा वीडियोस में और बोलूंगा। रही बात आपकी डरने की, यहाँ भी कोई नहीं डरते, वो पूछने वालों को नहीं दम है तो आप काम करके बताओ, रोड पे आ जाओ। खाली आप लेके काफिले को लेके फिर रहे हैं, तुम्हारे दारुसलाम में तुम जो है पूरे काफिले को लगा के बैठे, को खरीब ही नहीं आना है आपके, तो क्या पब्लिक आके जो है आपको जो है क्या काम करेंगी, क्या बोलेंगी। तो लिहाजा हम पब्लिक को भी बोल रहे हैं कि आप जो है अपने अपोजिशन को लाइए, जिस तरीके से डेवलप होना है हमारे को पुराना शहर, आप किसी को भी लाइए, अपने वोट को समझिए, अपने वोट को जो है पैसों से मत तोलिए। सिर्फ वोट 2 घंटे का बोल के जो है ना पूरों को खरीद लेते, पूरों को सबको सेपरेट कर लेते, उसके बाद में अपना जो है जाके बोकसिंग करते है दम तो अकबरुद्दीन ओवैसी। अपने डेवलपमेंट पे चैलेंज करके बैठ जाओ, आ जाओ डिबेट कर लेंगे, आप में डिबेट कर लेंगे, ऐसा तो ऐसी को भी बोला नहीं है, तो तुम भी इलेक्शन न करो, रीजन दे दो, हम भी नहीं बात करते, हम भी सियासत छोड़ देते। तुम्हारे भाई को असद ऐसी को भी बोलो, तुम यहाँ का देखो, यहाँ के मस्जिदों का क्या करे एक बार।